Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing about how to study physiology. Physiology जो medical और paramedical में भी first year का subject होता है. आप वैसे तो 11th और 12th में physiology पढ़ते हैं तो उसी से आपको बहुत सारा अंदाजा हो जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और उसे ही इजी करने के लिए आज की ये वीडियो है जिसमें सबसे पहले मैं आपको बुक बता देती हूँ. अगर आप साथ के साथ नीट की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसलिए आप लेके आइए गाइटन जो एक बहुत अच्छी बुक है या फिर गैनोंग. ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं जिसमें अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर किए जाते हैं. उसके अलावा अगर आप केवल एकेडमिक्स के लिए पढ़ना चाहते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और इजीली समझ भी आ जाए क्योंकि जो गाइडन है और गैनोंग है उनमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड है तो इसलिए आप लेके आइए एके जैन. उसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है और आपको इजीली समझ भी आ जाएगा. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की. तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग, कि भाई हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे काम करती हैं, उन सभी की फंक्शनिंग हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में. तो इसलिए फिजियोलॉजी में जो भी जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ते हैं. अब सिस्टम्स कौन कौन से, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, फिर हम उसके बारे में चैप्टर वाइज डिस्कस करते रहेंगे, है ना. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी लिविंग बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, दैट इज सेल. तो सेल की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं और उसके बाद सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू. तो टिश्यूज क्या क्या होते हैं, किस क्या क्या टाइप्स होते हैं टिश्यूज के, वो. उसके बाद थर्ड होता है ब्लड, ब्लड भी हमारी बॉडी का एक कॉम्पोनेंट है. देन फोर्थ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो सर्कुलेशन करता है. देन फिफ्थ इज रेस्पिरेशन जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है. नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा. सेवन्थ विटामिन मेटाबॉलिज्म, विटामिन जो हम लेते हैं बॉडी में वो उनका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी वाला जो आ जाता है हमारा जिससे यूरिन बनता है. नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जिसमें सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं. उसी के साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाता है और उसी के साथ नर्व्स जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना. नर्वस सिस्टम भी हमें पढ़ना पड़ेगा. देन मसल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा. अब 11th 12th में जो हमने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था वो भी हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. और उसी के साथ स्पेशल जो हमारी सेंसेस होती हैं, स्मेल की सेंस होती है, आइज विजुअल जो हमारा होता है, टच हमारा जो होता है, ऑडियो जो हम सुनते हैं, ये सभी हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि 11th में जो हम बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो फिजियोलॉजी में यहाँ पे हम उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ेंगे पर थोड़े से एडवांस्ड लेवल पे. तो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, सेल कैसे फंक्शन करती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कैसे बनती है. उसके बाद सेकेंड होता है सभी सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यूज. तो हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ते हैं. उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है ब्लड. हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं. तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है. तो ब्लड में आप यहाँ पे देख लीजिए, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. डब्ल्यूबीसीज का क्लासिफिकेशन, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऊपर से डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए. और हाँ, फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्पॉटिंग में प्रैक्टिकल में आपको दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए उस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी. अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज के डायग्राम्स भी आपको बनाने हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि डायग्राम्स बना के इजी हो जाएगा आपको समझने में भी, एग्जामिनर को भी समझने में भी. तो इसलिए डायग्राम्स भी आपको आने चाहिए. एक और बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हम केवल फंक्शनिंग पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्लड में डब्ल्यूबीसीज होती है, आरबीसीज होती है, इनके बारे में हम केवल पढ़ेंगे, इनका क्या फंक्शन होता है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. पर इनमें जो भी बीमारी आएगी, अगर आरबीसीज कम है, एनीमिया हो
जाएगा, आरबी से ज़्यादा है तो पोलिसाइथेमिया हो जाएगा। ये सभी हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में, क्योंकि पैथोलॉजी का मतलब ही होता है बीमारी। तो अगर आप फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी और अच्छे से याद होगी। तो बात करते हैं ब्लड की ही। ब्लड में और क्या क्या होता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लासिकल ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है बेसिकली, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड ग्रुप ए में बी में क्या होता है। उसके अलावा जो हमारे कोगुलेशन होता है, ब्लड क्लोट जो बनता है वो किस किस पाथवे से बनता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, इनके भी स्टेजेस आपको याद होने चाहिए। वैसे तो ये छोटे लेवल पे हमने 11th में और 12th में कर लिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस्ड लेवल आ जाता है और आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद ब्लड वाले ही चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आरबीसीज जो हैं वो मैच्योर कैसे बनती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इराइथ्रोपोइसिस। जो स्टेम सेल्स होती हैं उनसे आरबीसीज कैसे बनती है, मैच्योर कैसे होती हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इराइथ्रोपोइसिस। तो यहाँ पे हमें व्हाट इज इराइथ्रोपोइसिस एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इराइथ्रोपोइसिस, हर एक स्टेप जो है वो डिस्क्राइब करना होता है। इसी में आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो अडल्ट मेल्स में 14-80% होनी चाहिए ग्राम परसेंट, अडल्ट फीमेल में 12-16 ग्राम परसेंट होनी चाहिए, और उसी के साथ ब्लीडिंग टाइम कितना होना चाहिए, क्लोटिंग टाइम कितना होना चाहिए, और एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, क्लोटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसी के साथ एनीमिया भी इसमें आपको ज़रूर करना है, और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में बेसिकली क्या होता है, ये क्लोटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें क्लोट नहीं बन पाता है। उसी के साथ एनीमिया में क्या होता है, आरबीसीज कम हो जाती हैं, और एनीमिया 4 टाइप्स का होता है। तो ये सभी पॉइंट्स केवल ब्लड वाले चैप्टर में आपको करनी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो वैस्कुलर यानी कि जो हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है उससे रिलेटेड। तो ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा, कार्डियक साइकिल। जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं विद टाइमिंग्स, कि भाई कितने mm, कितने मिली सेकेंड्स का हमारा कौन सा साइकिल है, कितने मिली सेकेंड्स का कौन सा साइकिल है, ये हमें याद होने चाहिए। उसके बाद हम ECG पढ़ेंगे, ECG के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो हमने 11th में भी आपने पढ़े होंगे PQRST, तो ये सभी किस लिए यूज होते हैं वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हार्ट रेट कितना होना चाहिए, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होता है, अगर थोड़ा सा ही ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है ताकि उसको कंट्रा कर ले, उसको नॉर्मल कर ले, जैसे कि बैरोरिसेप्टर हो गए तो ये हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करने में काम आते हैं। उसके बाद कार्डियक आउटपुट, इसी में आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बता देती हूँ, फ्रैंक स्टार्लिंग फिनोमिना। फ्रैंक स्टार्लिंग फिनोमिना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाइवा में भी जनरली पूछ लेते हैं, और इसी के साथ बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस जिसे हम मैरिज रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको ज़रूर से भी ज़रूर कवर करना। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इनको आप चैप्टर के ऊपर यानी कि बुक में राइट डाउन कर लीजिए या फिर नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जब भी बुक खोलें तो इन टॉपिक्स पे ज़रूर आप फोकस करें, ज़रूर आप ध्यान दें, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स के एस्पेक्ट से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और इस वीडियो का मेरा केवल एक ही एम है, आपको सिलेबस से फैमिलियराइज कराना, आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज उनके बारे में होगी ताकि आप उनके बारे में एडवांस्ड लेवल पे पढ़ सकें, आपके मन में इंटरेस्ट बैठे। उसके बाद हार्ट साउंड्स, हार्ट साउंड्स जो हमारी 4 होती हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी और कार्डियक इम्पल्स जो होता है वो कैसे ओरिजिन होता है, SA नोड, AV नोड ये सब, और कैसे स्प्रेड होता है, ये भी आपको ज़रूर याद करना है। तो ये सभी टॉपिक्स आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में से याद ज़रूर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पिरेटरी में जो रेस्पिरेटरी का मैकेनिज्म होता है, उसके बाद जो हमारी एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होने चाहिए, उनमें क्या क्या पास ऑन हो सकता है। और फिर हमारे आते हैं गैस के प्रेशर्स, जो ग्रेडियंट प्रेशर होते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है, और जो एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज होते हैं, वीनस
वेनस कैपिलरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजन का प्रेशर 4 mmHg होता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कैसे हो सकता है, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से भी कनेक्ट करके जा सकती है, ब्लड में भी थोड़ी बहुत वो घुल जाती है, और उसी के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद डेड स्पेस क्या होता है, एनाटोमिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसेस। डेड स्पेस बेसिकली क्या होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी पाइप्स है, लाइक हम मुंह में से सांस लेते हैं या फिर नाक में से सांस लेते हैं, उसके बाद जो फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, वहां से एयर पास ऑन होती है, तो वो जो एरिया होता है वो होता है डेड स्पेस। एक्सप्लेन हाइपोक्सिया एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के 4 types होते हैं, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया यानी कि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी है इसलिए बॉडी में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। सेकेंड है एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया क्यों है, क्योंकि RBC कम है, एनीमिया हो रखा है पेशेंट को, तो अगर RBCs ही कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन तो नॉर्मल है पर वो जुड़ेगी किसके साथ, तो इसलिए पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाता है। थर्ड है स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन भी नॉर्मल है, एनीमिया भी नहीं है पेशेंट को, RBCs भी नॉर्मल है, पर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो एयर है, जो ऑक्सीजन है वो बाकी बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंच पा रही है, दैट इज स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया। एंड फोर्थ इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल है, पेशेंट के RBCs भी सही हैं, पेशेंट में सर्कुलेशन भी सही हो रहा है, पर जो टिश्यू है जिसको ब्लड पहुंचा रहा है, जिसको ऑक्सीजन पहुंच रही है, वो टिश्यू ही खराब है, वो ऑक्सीजन ले ही नहीं रहा है, दैट इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो ये 4 हाइपोक्सिया के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्फेक्टेंट क्या होता है, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये वाइटल कैपेसिटीज होती हैं 11th में भी हमने करी हुई है, यहाँ पे और अच्छे से करनी है। उसी के साथ क्लोराइड शिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसी के साथ डिसेप्निया। डिसेप्निया बेसिकली डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये सभी क्वेश्चंस थे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। अब आते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई जो भी हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट कैसे होगा, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ओरल कैविटी से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, और जो हमारा फैट है उसके लिए जो लिवर है वो बाइल सॉल्ट्स, बाइल जूस रिलीज करता है, उसका वहां पे काम होता है। इसमें पैनक्रियाज में जो जो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोइलास्टेज, कोलाजनेज और भी बहुत सारे, ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लिवर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो इंपॉर्टेंट इजी तो है पर इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा। उसके बाद क्वेश्चन आता है गैस्ट्रिक जूस पे, गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और क्या फंक्शन होता है, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन बेसिकली क्या होता है, जब हम खाने को निगलते हैं वो स्टेप, ये आपको अच्छे से बुक से पढ़ने हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको ज़रूर वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर मिलेगी। और इसी के साथ हीमोलिटिक जॉन्डिस भी आप याद कर लीजिए, जॉन्डिस क्या होता है और जॉन्डिस के क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज विटामिन मेटाबॉलिज्म। विटामिन में कौन कौन से विटामिन होते हैं, और विटामिन वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं। आपको कैसे याद करना है, मोटा कीड़ा, KEDA, मोटा मतलब फैट, KEDA विटामिन KDEA, ये 4 विटामिन्स फैट सोल्यूबल होते हैं। इनका क्या काम होता है, कितनी क्वांटिटी हमें बॉडी में चाहिए होती है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, ये सभी चीज़ें आपको इनके बारे में पढ़नी है। उसके अलावा अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम रटने हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेफ्रॉन के बारे में बताइए, उसके बाद पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन बताइए, फोटो बनाइए, आप डायग्राम बना के आइए बहुत अच्छे से। इन सभी में से जो भी आपको लगे ना कि आप डायग्राम बना सकते हो, हार्ट वाले में हार्ट का डायग्राम आप बना सकते हो, कार्डियक साइकिल में आप कार्डियक साइकिल बना सकते हो, तो ये डायग्राम बना के आइए आप अच्छे से। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सभी स्टेप्स आप लिख के आइए, जिसका क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। उसके बाद 5 marks का क्वेश्चन आता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस पे, JGA, और लास्ट में आता है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना, उसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सही से मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।